भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व है। महर्षि वेद व्यास चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, जिन्होंने हमें वेदों का ज्ञान दिया है। वे हमारे आदि गुरु हैं। महर्षि वेद व्यास के उपदेश और उनके विचार हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पाठकों के लिए प्रस्तुत है अनमोल और अमूल्य विचार, जो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आइए जानें। अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। जो सज्जनता का अतिक्रमण करता है, उसकी आयु, संपत्ति, यश, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेय नष्ट हो जाते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। अमृत और मृत्यु दोनों शरीर में ही स्थित है। मनुष्य मोह से मृत्यु और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद रखने में तत्पर है, किंतु उनके यथार्थ तत्वों को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। वह दोनों का रोग दूर करने वाला चिकित्सक है। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ जय है। जिसके मन में संशय भरा हुआ है, उसके लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न ही सुखी है। अत्यंत लोभी का धन तथा अधिक आशक्त रखने वालों का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। जिस मनुष्य की बुद्धि दुर्भावना से युक्त है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखा है, वह धर्म और अर्थ की बातों को सुनने की इच्छा होने पर भी उन्हें पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है, वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए, तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। दुख को दूर करना ही एक अमोघ औषधि है। मन से दुखों की चिंता न करना। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं, उन्हें निशंसे सुख की प्राप्ति होती है। अधिक बलवान तो वो ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है, वे वास्तविक बलवान नहीं होते। जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। पुनः पुनः किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ दुख का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु पराजय ही है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है, उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। मनुष्य की आशा समुद्र के समान है, वह कभी नहीं भरती।